दोस्तों, आज से हमने डिसाइड किया है आप लोगों के लिए कि हम लोग जो आप बहुत प्यारे प्यारे मुझे कमेंट्स करते हैं। दोस्तों, आपको पता है आज क्या हुआ? आज इनमें से एक निकल गई थी। आज इनको देखते हैं कि कौन अच्छा भागता है और कौन विनर होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जी दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा गिफ्ट है और वो ये है कि आप लोग जो मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे होते हैं, आप लोग जो मेरे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे होते हैं, मेरे दोस्त, मेरी बहनें जो भी हैं, और उन लोगों के कमेंट्स में से मैं एक अच्छा वाला सा जो क्यूट सा कमेंट्स होगा वो निकाला करूँगी और उसका शाउट आउट भी दूँगी और उनका मैं नाम भी लूँगी और उनका आंसर भी दूँगी। और दोस्तों, आज का पहला जो हमें बहुत क्यूट लगा था वो मेरे एक भाई हैं। उन्होंने बहुत क्यूट सा एक मुझे मैसेज किया था कि उनका 3 साल का बच्चा शायान है और हमें उसके लिए कोई वर्ड बोलने हैं। तो हर बच्चे के लिए यही वर्ड होता है कि अल्लाह ताला हर बच्चे को सेहत, तंदुरुस्ती दे और लंबी उम्र अता फरमाए। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सब के बच्चों के लिए हम लोगों की दुआ यही है कि अल्लाह भी उनको सेहत, तंदुरुस्ती दे और लंबी उम्र अता फरमाए। और आज के बाद जो सबसे अच्छा कमेंट्स होगा हम लोग उसका जवाब भी देंगे और उसको शॉर्ट आउट भी देंगे और उनका नाम भी लेंगे। और इसके साथ ही आज का ब्लॉग होता है स्टार्ट। मेरा आज का ब्लॉग होता है स्टार्ट हमारा किचन से। और किचन में आप देखें अभी बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं, मुझे बनाने हैं नाश्ता और फटाफट मुझे अभी कुश्ती करनी है ठंडे पानी के साथ और ये बर्तन धोने हैं, उसके बाद मैं जाऊंगी नाश्ता बनाने। और मैंने निकाल लिया आटा वगैरह सब कुछ और अभी बस बाकी सब कुछ क्लियर है, सब कुछ सही है, अभी फटाफट बनेगा नाश्ता। और यहाँ पर बस ये जो बर्तन है ना, बस अब इनके सामने कुश्ती करनी है और फटाफट मुझे सारे बर्तन धो लेने, उसके बाद मैं आऊँगी नाश्ते की तरफ और मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं आज बच्चों को क्या नाश्ता देने वाली हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपकी बहन ने फटाफट सारे बर्तन धो लिए हैं। पानी ठंडा तो था लेकिन हाथ सुन्न हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता, फिर सारे बर्तन फटाफट धुल जाते हैं। और सारे बर्तन धो लिए हैं और यहाँ पे मैंने नाश्ते का हिसाब किताब रख दिया है। कल मंगाया था मैंने चरगा और अभी बच्चे कह रहे हैं मैं रोल बना दूँ, तो मैं इसमें छोटे छोटे निकाल के टुकड़े निकाल के लोगों को पराठा बना के उसमें रोल बना देती हूँ। और कल ये बची थी हमारी तंदूर की रोटियां वगैरह, ज़ाया नहीं करना चाहिए रिस्क को, हमें क्या रिस्क की इज्जत करनी चाहिए। बस ये रोटियां भी हम लोग अभी तल लेंगे और तलने के बाद मैं और इनके पापा हम लोग खा लेंगे। और हाथ देखें, मेरे हाल देखें, हाथ का रेड हो रहे हैं पूरे, अभी बर्तन धोए ना तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है दोस्तों। और ये मैंने यहाँ पर चाय वाय का हिसाब किताब कर दिया, अभी फटाफट मैं बनाने वाली हूँ नाश्ता और आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बच्चों को किस तरह जल्दी से रोल बना के देती हूँ। ये रहा इनके अब्बू का नाश्ता, इसके अंदर मैंने भर दी थी वो चिकन जो छोटे छोटे टुकड़े किए थे मैंने, और ये मैंने तल दिए रोटी और ये रही चाय। और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा नाश्ता जाने वाला है अब इनके अब्बू को, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी मैं बनाऊंगी जल्दी बच्चों के लिए क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। अब पहले इनके अब्बू को देने के बाद फिर मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए। यहाँ पर मैं बना रही हूँ जुएब का पराठा जिसके अंदर मैं भरने वाली हूँ ये वाली चिकन, और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा मुझे उम्मीद है क्योंकि ये लोग पसंद करते हैं ऐसी चीज़ें, फिर आलू फिल करके दे दो या कुछ भी फिल करके दो तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुशी से खाते हैं इसको। और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल इस तरीके से, और ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा डालूंगी खुश्का, उसके बाद मैं उठाऊंगी ये वाला चिकन जो कि मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए हुए हैं देखें इस तरीके से, और उसको दबाऊंगी। दबाने के बाद मैं इसको इस तरीके से अच्छे से पैक कर दूंगी, ये देखें ये देखें, ये पैक करके ये बन जाएगा हमारा अच्छा सा पेड़ा, ये देखें इस तरीके से। और इसको फिर ऐसे ऐसे करके इसको मैं बेल लूँगी और तैयार हो जाएगा चिकन वाला पराठा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैंने इसके अंदर स्टफ भर दिया चिकन का और थोड़ा थोड़ा केचप लगा दिया है। ये दानिश की है रोटी माशाल्लाह और ये है जुएब की, और अब मैं बनाने वाली इनका इनको रोल बना के दे रही हूँ ताकि ये इजीली खा लें, ये लोग इजीली खा लें, तो इसको मैं रोल करके दूंगी और ये देखें इस तरीके से, क्योंकि ये लोग बहुत खुश होते हैं और आराम से खा लेते हैं दोनों भाई इस तरीके से, ये देखें ये बन गया एक।
और दूसरा मैं यहाँ एक बना रही। ये दोनों के बन गए और इनको मैं अभी बीच में से कर दूंगी कट इस तरीके से, देखें, और चाय दे दूंगी साथ में। और दोनों भाई बहुत शौक से अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे और बहुत खुश हो जाएंगे। ये इस तरीके से ये है जोएब का, और यहाँ पर है दानिश का। ये रज़ेब का और दानिश का, और अभी देखें बहुत शौक से खाएंगे दोनों भाई माशाल्लाह। और दोस्तों परसों एक बहुत अच्छी मज़ेदार सी रोटी बच गई थी एक, तो अभी मैं इस रोटी को गीला करके और मैं तल के खाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तली हुई रोटी, तो मैंने अपने लिए बस इसको भी गीला कर रही हूँ और मैं इसको तल के खाने वाली हूँ। आज का ब्रेकफास्ट माशाल्लाह हो जाएगा हम लोगों का। दोस्तों आज इनको देखते हैं कि कौन अच्छा भागता है और कौन विनर होता है। आज दोनों की मैं रेसिंग करा रही हूँ और मैं देखूँगी कि दोनों भाइयों में से कौन विनर होने वाला है। और मैं जैसे ही थ्री बोलूँगी आप दोनों ने भागना है, ठीक है? 1 2 3 जोहेब आए, जोहेब हो गया विनर। दानिश आप नहीं हो विनर, सॉरी बच्चा आप विनर नहीं हो। जोहेब ने जल्दी से भाग के जीत गया, जोहेब ने फर्स्ट आ गए, जोहेब ने भाग के विनर हो गए जोहेब, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे ऐसे लग रहा था दानी जीतेंगे, लेकिन माशाल्लाह जोहेब जीत गए। चलो बच्चा नीचे चलते और अभी नीचे के काम वाम ख़त्म करते हैं। और मैं अभी कपड़े नहीं उतार रही हूँ क्योंकि कपड़े सूखे नहीं हैं, अभी भी गीले हैं कपड़े, एक दिन मुझे रखने पड़ेंगे कपड़े और कल उतारूँगी इंशाल्लाह। दोस्तों हम लोग अभी आए थे छत पे और हम सुल्तान को भी ले आए थे ताकि सुल्तान को भी धूप लग जाए, और अभी बेहतर है। एक आध मोशन किया हुआ इन्होंने, ज़्यादा नहीं किए हुए, काफ़ी बेहतर है दो दिन से माशाल्लाह। मेरे बच्चों के साथ ये भी मेरे बच्चे हैं और ये भूखे हो रहे हैं, भी सब लोग मुझसे खाना मांग रहे हैं। और एक तो अंदर है शायद, उन्होंने अंडा दिया हुआ है येलो वाली में, और ये देखें ये भूखे हो रहे हैं। ये हमारी फैमिली बहुत भूखी है और माशाल्लाह इनको मैं बहुत ज़्यादा ज़्यादा वाजरा देती हूँ, मगर ये खाने पीने में बड़े ज़बरदस्त हैं ये। और ये देखें कॉकटेल हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, इनको भी खाना देना है मुझे जल्दी से। और ये रहे हमारे शहजादे यहाँ बैठे हुए, मुझे बहुत पसंद है इनका ताज, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं कॉकटेल। बस अभी इन लोगों को जलेली में खाना डालती हूँ और इनकी बारी आई है, अभी इनको भी जलेली से फारिग करती हूँ मैं। इनको मैंने खाना दे दिया है और सब लोग मज़े से खा रहे हैं खाना, और यहाँ पर ये खा रहे हैं मज़े से, और ये थोड़ा सा डरपोक है, ये आएंगी जब मैं चली जाऊंगी फिर आके खाएंगे ये लोग। और ये खा रहे हैं कॉकटेल माशाल्लाह। और इन लोगों की अलग अलग फीड आती है, इन सबका अलग अलग खाना होता है, और इनको फिर मैं देती हूँ। और इस साइड पे ये भी खा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और इन लोगों ने फैलाया हुआ है गन, ये देखिए मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए। और मुझे अभी यहाँ से करनी है सफाई, और बहुत गंदबला क्या हुआ है, और ये पूरा साफ होगा अभी, और बस अभी यहाँ पर भी मैं आती हूँ इनको भी साफ करती हूँ जल्दी से। दोस्तों आपको पता है आज क्या हुआ, आज इनमें से एक निकल गई थी, क्योंकि पिंजरे की जो जगह है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो अभी टेम्परेरी हम लोगों ने यही सोचा कि इसको इस तरीके से प्लास्टिक से पैक कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी सर्दी है और गर्म भी रहेंगी ये लोग, और इसके ज़रिए पैक कर रही हूँ मैं इनको ताकि ये दोबारा निकल ना सके, क्योंकि उड़ गई थी वो तो शुक्र है कि दरवाज़ा वगैरह बंद था तो बचत हो गई है, वरना अगर ये उड़ती है ना तो इनको जल्दी से कौवा खा जाता है, तो अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई है, और जिसकी वजह से मैं अभी टेम्परेरी इसको इस तरीके से पैक कर रही हूँ ताकि ये लोग दोबारा निकलने की कोशिश ना करें। और ठंड वैसे भी है, ठंड से भी बची रहेंगी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइडिया मेरा ये था, इनके पापा का आइडिया था ये, उन्होंने कहा अभी फ़िलहाल तुम इनको इस तरीके से पैक करो ताकि इनको ठंडक ना लगे बिल्कुल, तो मुझे ये आइडिया बुरा नहीं लगा, तो बस मैं अभी इनको अच्छे तरीके से पैक कर रही हूँ पूरा, ताकि ना ही ये लोग निकल सकें और ना ही इनको ठंड लगे। ये देखें और बहुत अच्छे से ये गर्म भी हो जाएंगी, इनको ठंडक भी नहीं लगेगी,
और ये लोग निकल भी नहीं सकेंगे यहाँ से। और ये बहुत वो बड़े बड़े इसमें छेद हैं इसकी इनके पिंजरे में, और ये दोबारा भी ये हरकत कर सकती है, निकल सकती हैं। तो इनको मैंने बहुत अच्छे से देखें लगा दिए, और ये बिल्कुल ही नहीं निकल सकती यहाँ से ये। और इनके गेट वाला एरिया थोड़ा सा जहाँ से मैं इनको खाना वाना देती हूँ वो जगह मैं इनकी खोल दूँगी। ये देखें माशाल्लाह अच्छे से पैक हो गई हैं, हर जगह से पैक हो गई हैं। अब बस जहाँ से हम इनको बाजरा डालते हैं ये वाला एरिया खोल दूँगी, और दोनों तरफ से एरिया खोल दूँगी, यहाँ से हवा आती रहेगी और ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा खुला हुआ है हवा आती रहेगी इनको। और अच्छे से मैंने इनको पैक कर दिया है, और मैं इनके लिए लाई हूँ ये घास, और ये भी घास भी इसके अंदर मैं डाल देती हूँ ताकि ये लोग अपना और गर्म होने का इंतज़ाम कर लें। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी पैक हो चुकी है ये, और अभी मैं यहाँ से छुरी से काट के इनका ये एरिया ख़त्म निकाल दूँगी ताकि इनको हवा भी लगती रहे। और दोस्तों आप देखें कितना प्यारा आइडिया था हम लोगों का, ये देखें ना ये निकल सकेंगी ना इनको सर्दी लगेगी और ये खुश रहेंगी। और अभी मैं यहाँ से कट कर रही हूँ थोड़ा सा यहाँ से, ताकि हम इनको खाना वाना देने में हमें आसानी हो, यहाँ से और यहाँ से, ताकि इनको कटोरियों में आराम से मैं खाना वाना दे सकूँ इनको। ये देखें, और मैं इनको अलग नहीं करूँगी ताकि इनको ये रहे कि ये भी बन भी है जगह, इसको मैं अलग नहीं करूँगी, ऐसे उठाएंगे इसको और इनकी कटोरी निकालेंगे और यहाँ से खाना दे देंगे हम लोग। और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से इन लोगों को घास डाल के दे रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि दरवाज़ा खोलूँ इनका। ये देखें अब ये ख़ुद अपने गर्म होने का इंतज़ाम करेंगी, हम लोगों ने इनको घास भी दे दिए, और ये देखें और इनको सर्दी भी नहीं लगेगी और माशाल्लाह सेट रहेंगी ये इस तरीके से। ये देखें, और इसको मैं नीचे कर दूँगी ताकि इनको ये नहीं हो कि यहाँ से खुला हुआ ये, और यहाँ से भी इसी तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा कट कर दूँगी ताकि हम इनकी कटोरियों को खोल सकें आराम से और पानी वानी इनको दे सकें। ये देखें ये इस तरीके से खोलेंगे निकालेंगे, खोल के इसको ऊपर करेंगे, इसको पानी दे देंगे और ये हमारी सेफ हो जाएंगी, और इनको निकलने का या भागने का कोई हमें डर नहीं होगा। ये देखें दोस्तों हमारी फ्रेंचेज इतनी महफूज हो गई हैं, इनको ठंड भी नहीं लगेगी और आराम से रहेंगी और अपना घर बनाएंगी। हमने इनको घास भी डाल दिया है, और अब ये हम कहीं पे भी रख सकते हैं, हमें इनके उड़ने का भी डर नहीं होगा। और ऊपर से हल्का फुल्का खुला हुआ है मैंने सुराख किए हुए ताकि हवा भी आती जाती रहे और ये गर्म भी रहे। और दोस्तों ये दोनों भाई गए हुए हैं छत पे और उतर के आ रहे हैं दोनों। दीप क्या हुआ, सर्दी है छत पे? सर्दी है ना बहुत ज़्यादा, आ जाओ जल्दी दानिश, आ जाओ आप भी। और ये दोनों छत पे गए थे, मैंने इनको कहा था कि बहुत ज़्यादा ठंडे मत जाओ, चलो बच्चा अंदर जाओ अंदर जाओ। और दोस्तों यहाँ पे मैंने कर ली थी सारी सफाई अच्छे तरीके से, और इन लोगों को मैंने कर दिया गर्म क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही है। और अभी मैं यहाँ इसको भी बंद कर दूँगी ताकि पूरा कम्प्लीट इनके लिए अच्छे से हो जाए। हाँ भाई दानिश, बड़ा इंजॉय करके आए हो छत पे, कैसा लगा? ठंड हो रही है ना बहुत ज़्यादा? ओ मेरा बेबी ठंडक हो रही है, मैं यही तो बोली हूँ थोड़ा सा रुक जाओ, ठंड खत्म होगी फिर खेलते रहना जितना खेलना है, अंदर चल जाओ जल्दी से। और यहाँ पर मैंने इनको अच्छे तरीके से गर्म कर दिया है, पैक कर दिया है, और यहाँ से सफाई फाई भी कर दिए, और ये पर्दा बहुत अच्छा लगा हुआ है यहाँ पे, इधर से बिल्कुल भी ठंडी हवा नहीं आती है, और ये माशाल्लाह बिल्कुल सर्दी से कम्प्लीट महफूज हैं सारे तोते मेरे माशाल्लाह। और भाई यही जब से टूटू मरा है ना दोस्तों, बस यही डर लगता है इनमें से कोई मरवर ना जाए, बड़ी फिक्र होती है इन लोगों की मुझे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सेफ है माशाल्लाह। दानी क्या हुआ, ठंड हो रही है? सर्दी हो रही है? चलो अपने दोस्तों को बोलो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और बहुत सारी दुआओं में याद रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।